एक गांव में भूरा नाम का एक मजदूर रहता था। भूरा अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे मुकेश के साथ रहता था। भूरा बहुत सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। सुनिए जी, आप तो जानते ही हो, बारिश का समय चालू हो चुका है। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर आपने इस बार मरम्मत नहीं करवाई तो पिछली बार की तरह फिर से हमारे घर में पानी भर जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द छत की मरम्मत कराने की जरूरत है, वरना काफी बुरा हाल हो जाएगा। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे मांगकर छत की सही से मरम्मत करा लेता हूँ। इतना कहकर भूरा अपने मालिक के घर की ओर निकल जाता है। मालिक, आप तो जानते ही हो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और बारिश का समय चालू हो गया है। मेरे घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। ऐसे में बारिश का पानी मेरे घर में घुस जाता है। पिछली बार मैंने अपना सामान अपने पड़ोसी के यहाँ रखवा दिया था, लेकिन इस बार वह भी सामान रखने से इनकार कर रहा है। मालिक, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, जब आप मेरी तनख्वाह देंगे तो उसमें से काट लीजिएगा। देखो भूरा, तुम तो जानते ही हो मेरा काम कितना घाटे में जा रहा है और फैक्ट्री में मुझे कितना ज्यादा घाटा हो रहा है। मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए कोई और काम तलाश लो। मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो केवल आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। मैं अभी मजबूर हूँ, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं है। घर चलाने के लिए मुझे भी अब कहीं और काम देखना पड़ेगा, मुझे माफ करना। भूरा उदास मन से वहां से निकल जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। क्या, हम तो छत की मरम्मत का सोच रहे थे, यहाँ तो उससे भी बुरा हो गया। अब काम नहीं है तो हम छत की मरम्मत कैसे करवाएंगे? तुम परेशान मत हो, हम इस बार छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। मैं तल गांव में कोई और काम ढूंढूंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन भूरा काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। भूरा एक अनाज के गोदाम के पास रुकता है। अरे, यह गोदाम, मुझे शायद इस गोदाम में काम मिल सकता है, जाकर इसके मालिक से पता करता हूँ। भूरा उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या? हम काम पर केवल मेहनती और भरोसेमंद आदमी को ही रखते हैं। तुम्हें किस काम का अनुभव है? जी, मुझे खेतों में सारे काम और निर्माण कार्य में खूब अनुभव है। हमारे यहाँ तो गाड़ी से सारे अनाज के बोरे उतारने पड़ते हैं और जब ग्राहक आते हैं तो उन्हें बोरे निकाल कर देने पड़ते हैं। मैं कर लूंगा यह काम, आप बस बता दीजिए मुझे कब से आना है। देखो भाई, अभी तो हमें लोगों की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारे पास सारी जगह भरी हुई है। तुम अपना नाम पता लिखवा दो, भविष्य में कभी जरूरत हुई तो हम बुलवा लेंगे। भूरा निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भूरा एक जगह बैठकर सोचता है। मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। मैं सुनीता से वादा किया था कि इस बार छत की मरम्मत जरूर कराऊंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ भगवान। भूरा चलते चलते एक चाय के दुकान पर पहुंचता है और वहां बैठ जाता है। वहां एक आदमी बोलता है, आज सुबह अखबार पढ़ा, उसमें लिखा था इस बार खूब वर्षा होगी, आंधी तूफान और बाढ़ के हालात बन सकते हैं। अरे क्या कह रहे हो भाई, अगर ऐसा हुआ तो गरीब किसान और मजदूर लोग तो वैसे ही मर जाएंगे और जान माल की खूब क्षति होगी। अरे नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, पिछली बार देखा नहीं, ये अखबार वाले कह रहे थे सूखा पड़ेगा, लेकिन इतनी बारिश हुई कि मेरे दुकान की छत चूने लगी, इसलिए मैं तो ये अखबार की सारी खबरों पर भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ भाई, यह तो तुम सही बोल रहे हो, यह अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं। भूरा को उन दोनों की बातें काफी अजीब लगती हैं।
इसलिए वह वहां से उठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मैंने हर जगह गांव में काम ढूंढा, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का काम देने को तैयार नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से मुकेश की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसका सारा शरीर जल रहा है। तुम उसके लिए जल्दी से दवाई ले आओ। लेकिन सुनीता, तुम तो जानती ही हो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में मैं दवाई कहां से लाऊंगा। कुछ ही देर में मुकेश की तबीयत और खराब हो जाती है। अगर मुकेश को जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो इसकी हालत खूब खराब हो जाएगी। आप कहीं से भी जल्दी से दवाई का प्रबंध करिए। मैं अब कहां से पैसे लाऊं? अरे हाँ, याद आया, चलो सुनीता, हम सुरेश भाई के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दोनों पति पत्नी सुरेश के घर की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर भूरा सुरेश के घर के दरवाजे को बजाता है। सुरेश घर से बाहर आता है। सुरेश भाई, मेरे बेटे मुकेश की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से जल्द उसे इलाज की जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत है सुरेश भाई, मुझे आप थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे भूरा भाई, मेरा भी हाथ बहुत तंग है, घर में इतना खर्चा होता है, फिर बच्चों के लिए खर्चे और कमाई दाल में नमक जितनी है, मैं भी मुसीबत से ही घर चला रहा हूँ मेरे भाई। सुरेश भाई, मेरे बेटे को अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सुरेश भाई, मेरे बेटे की जान आपकी मुसीबतों के आगे कोई कीमत नहीं रखती, मेरी मदद कर दो भगवान के लिए। भूरा भाई, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पास होते तो तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों पति पत्नी उदास मन से वहां से चले जाते हैं और सुरेश अंदर आ जाता है। अरे कौन था इतनी सुबह सुबह जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे वो भूरा था, उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो मुझसे उधार मांगने पैसे आया था, मैंने तो साफ मना कर दिया। क्यों जी, क्यों मना कर दिया? उसका बेटा इतना बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, भूल गए? उसने हमारी कितनी ज्यादा मदद करी है। तुम चुप रहो, मदद की है तो क्या कोई एहसान कर दिया? मैं दोस्ती इसलिए करता हूँ ताकि लोग मेरी मदद करें, और जब वह मेरे लिए फायदे का नहीं होता तो मैं दोस्ती तोड़ देता हूँ। जी ये बहुत गलत बात है, जिसने आपकी इतनी मदद की आपने उन्हें धुतकार कर भगा दिया, लेकिन यह याद रखना वक्त बदलते समय नहीं लगता। अरे इसमें क्या दिक्कत है, मेरे पैसे हैं, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी है भाई। दोनों पति पत्नी थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। कोई भी उनकी मदद नहीं करता, सब अलग अलग बहाने बनाकर मना कर देते हैं। कोई कहता है फसलें नहीं बिकी, तो कोई कहता है हमारे खुद के खाने के वांदे हैं। भूरा की स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी मदद कर सके, कि तभी उसका बेटा मुकेश बोलता है, माँ माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, माँ कुछ करो माँ। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं हो, हमारा बच्चा दर्द से मरा जा रहा है। अरे मरता है तो मर जाने दो, इसे भी तो पता लगे कि एक गरीब बात के घर पैदा हुआ है। मैं थक गया हूँ लोगों से उधार मांग मांग कर, अब उनके हाथों से पैसे छीन तो नहीं सकता ना, मैं नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, आप सरपंच जी के पास क्यों नहीं जाते? आप उन्हें हमारे बेटे की हालत के बारे में बताना, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। भूरा सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे सख्त से सख्त इलाज की जरूरत है, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने पैसों के लिए अपने रिश्तेदार दोस्त सबसे मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हैं जो मेरी आखिरी उम्मीद हैं। विपदा आने पर अपना पराया कोई मदद नहीं करता, अपने रिश्तेदार गलत करने पर उसूलों का हवाला देने आते हैं,
लेकिन विपदा पर झांकी भी मारने नहीं आते। यदि तुम्हारे पास पैसा होता तो बाऊजी बाऊजी करते, तुम्हारे आड़े पीछे घूमते। बूरा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में सरकार ने एक रुपया भी नहीं दिया है। गांव में सब कुछ मैं अपने ही पैसों से बनवा रहा हूँ। इन सब चक्करों में मैं बहुत सारे कर्जे में दब चुका हूँ, और गांव वाले यह बात समझते ही नहीं है और पैसे मांगने मेरे पास चले आते हैं, जैसे इनके पिताजी मेरे पास रख के चले गए हों। माफ करना, मैं उन लोगों के नाम तुम्हें नहीं बता सकता, और तुम यह अपने ऊपर मत लेना। कोई बात नहीं सरपंच जी, जब अपने लोगों ने ही मदद नहीं की तो आप तो फिर भी दूर के हैं बहुत। इतना कहकर भूरा वहां से चला जाता है और रास्ते में सोचता सोचता जाता है। आखिर आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई किसी का सगा नहीं है, विपत्ति में सब नजरें चुराकर भागते हैं। भूरा यह सब सोचते सोचते एकदम से चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं से एक भला आदमी जा रहा था, वह देखता है कि एक आदमी बेहोश पड़ा है। अरे यह आदमी तो बेहोश पड़ा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मैं अकेला इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। वह आदमी भूरा को उठाकर अपने घर ले आता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में भूरा को होश आ जाता है। अरे ये मैं कहाँ हूँ, मैं तो घर जा रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। अरे अरे भाई रुको, तुम आराम करो, अभी तुम पूरी तरह से सही नहीं हुए हो, तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे तो मैं तुम्हें वहां से उठाकर घर ले आया। क्या हुआ भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मैं उधार के पैसों के लिए हर जगह घूम रहा था पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आखिर में मैं सरपंच जी के यहाँ गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। यहाँ कोई भी इंसान सही नहीं है, कोई भी किसी की मदद नहीं करना चाहता, सब एक जैसे ही हैं, मतलबी। नहीं भाई यह तुम गलत कह रहे हो, माना कि कई इंसान बुरे होते हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि सारे लोग बुरे हैं। तुम जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारे बेटी की तबीयत काफी खराब हो गई होगी अब तक। भूरा उठ खड़ा होता है, वह अनजान व्यक्ति भूरा को काफी पैसे देता है। जाओ इन पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवाओ, और जो पैसे बच जाए उनसे अपना कोई काम शुरू कर लेना, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब तुम मुझे लौटा देना ये पैसे। लेकिन मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरी मदद की, इतनी इतने पैसे दिए, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैंने बस अब तक भगवान के बारे में सुना ही है, लेकिन आज मैंने साक्षात एक इंसान के रूप में भगवान को देख लिया। अरे भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे भगवान का दर्जा दे रहे हो, एक इंसान होने के नाते मैंने अपने प्रति अपना कर्तव्य निभाया है बस। तुम भी आगे चल के ऐसे ही दूसरे बेसहारा और मददगार लोगों की मदद करना। भूरा वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह अपने बेटे का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में उसका बेटा बिल्कुल सही हो जाता है। कुछ दिनों बाद सुनीता भूरा से पूछती है, आपने बताया नहीं आप पैसे किससे मांग कर लाए थे। अरे हाँ मैं बताना ही भूल गया, एक भले इंसान ने मेरी मदद की थी, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर भी उसने मेरी मदद की। मैंने उसका नाम पूछा लेकिन उसने वह टाल दिया। चलिए अच्छा है, वह इंसान हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया और हमारी मदद की। मुकेश का इलाज करवाने के बाद भी मेरे पास काफी पैसे बच गए हैं। उस इंसान ने कहा था कि पैसे बच जाएं तो कुछ काम शुरू कर लेना, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा काम शुरू करूं। जी कैसा होगा अगर हम गोभी के पराठे बनाकर बेचें, और आप जानते ही हैं कि मैं घर में कितना स्वादिष्ट गोभी का पराठा बनाती हूं। हाँ तुम सही कह रही हो, यह काम सही रहेगा। ठीक है मैं सामान ले आता हूँ बाजार से। भूरा बाजार जाता है और गोभी के पराठे बनाने का सारा सामान ले आता है। अगले दिन से दोनों पति पत्नी गोभी के पराठे बेचने लगते हैं।
अरे भाई बूरा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, जरा हमें भी तो एक पराठा चखाओ। बूरा उस आदमी को एक पराठा देता है। जैसे ही वह आदमी पराठा खाता है, वह तो खाता ही रह जाता है, और देखते ही देखते वह चार पराठे खा जाता है। अरे भाई बूरा, भाभी जी के हाथों में तो जादू है, या लगता है तुमने पराठों में जरूर कुछ और मिलाया है। ऐसे स्वादिष्ट पराठे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए भाई। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मन कर रहा है और खाऊं, लेकिन ज्यादा खाऊंगा तो तबीयत ना बिगड़ जाए। ये लो भाई आपके पैसे। ऐसे ही भूरा के पराठे देखते ही देखते खूब प्रसिद्ध हो जाते हैं और लोग दूर दूर से उसके पराठे खाने आते हैं। सरपंच तक यह बात पहुंचती है, वह भी भूरा के यहाँ आता है। क्या बात है भूरा भाई, कुछ दिनों तो पहले तू दार मांगता फिर रहा था लोगों से अपने बच्चे के इलाज के लिए, और अब तूने यह काम भी खोल लिया और तेरा बच्चा भी सही है, कहाँ से लाया इतने सारे पैसे? सरपंच जी, यह सब भगवान की देन है, बुरा अगर करना जानता है तो वो अच्छा भी करना बहुत अच्छे से जानता है। सही है भाई, खूब तरक्की करो। अरे मैंने सुना तुम्हारे पराठे खूब स्वादिष्ट होते हैं, हमें भी चखाओ थोड़ा। अरे हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं। सुनीता, सरपंच जी को पराठा खिलाओ। हाँ हाँ जी, ये लीजिए। वाह भूरा वाह, मजा ही आ गया। सच में यह पराठे खूब स्वादिष्ट हैं। मैंने जितनी इनकी तारीफ सुनी थी उससे कई ज्यादा गुना स्वादिष्ट हैं। कितने पैसे हुए बताओ? नहीं नहीं सरपंच जी, हम आपसे पैसे थोड़ी ले सकते हैं, आप तो हमारे गांव के लिए करता धरता हो। अरे भाई मैं सरपंच हूँ यह बात अलग है, लेकिन मैंने तुमसे सामान लिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें उसके पैसे दूं। अगर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ये लो पैसे। सरपंच पैसे देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन भूरा के घर पर उसका दोस्त सुरेश आता है। भूरा भाई मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा पाऊं, मेरी मदद कर दो भाई, तुम्हारे अलावा इस घड़ी में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ भाई तुम परेशान मत हो, मैं देता हूँ पैसे। भूरा सुरेश को पैसे दे देता है। सुरेश ने तो सोचा था कि भूरा उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि सुरेश ने भी भूरा की मदद नहीं की थी, लेकिन भूरा ऐसा नहीं था। आज मुझे एहसास हुआ कि मानवता की कीमत कितनी ज्यादा है। जब मेरे पास पैसे थे तो मैं अपने पैसों का कितना दिखावा करता था। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मेरे अहंकार और घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा पैसों और अहंकार की दुनिया कितनी छोटी और अस्थाई है। सच्ची मित्रता और मानवता के आगे यह सब बहुत छोटा है। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। अरे भाई मुकेश, इसमें माफी की कोई बात नहीं है, मैंने जो किया यह तो मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के कठिन समय में से एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है जो मैंने निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यह समझना पैसे और ऐशो आराम की दुनिया में सच्ची मित्रता और मानवता की तुलना में कई ज्यादा है। यही तो असली माफी है, इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ, और यही सबसे बड़ी सजा भी है तुम्हारे लिए। अरे भाई अब तुम जल्दी जाओ और भाभी को डॉक्टर से इलाज करवाओ। सुरेश वहां से पैसे लेकर चला जाता है। भूरा अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता अब हमारे पास काफी जमा पूंजी हो गई है और हमारा काम भी काफी अच्छा चल रहा है, तो अब मुझे उस भले आदमी के पैसे वापस कर देने चाहिए। हाँ आप सही कह रहे हो, उस भले आदमी ने हमारी इतनी मदद की, हमें उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। भूरा पैसे लेकर उस भले इंसान के घर की ओर निकल जाता है। वहां भूरा को वह भला व्यक्ति नहीं मिलता बल्कि कोई और मिलता है। अरे भाई यहाँ एक आदमी रहता था। कौन आदमी? यहाँ तो मैं रहता हूँ, उस आदमी का कोई नाम है क्या? नाम तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वह बहुत भला व्यक्ति था।
ऐसा तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। यहाँ तो मैं पिछले 20 सालों से रहता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं यहीं आया था। पूरे 3 घंटे के लिए मैं इस घर में था उस भले व्यक्ति के साथ। मुझे बहुत अच्छे से याद है। अरे भाई, यह मेरा घर है, यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं रहता। चलो जाओ, अब यहाँ मेरे पास समय न बर्बाद करो, मुझे बहुत सारे काम हैं। भूरा वहाँ से घर वापस आ जाता है और सारी बातें वह अपनी पत्नी को बताता है। क्या आप पूरे यकीन से कह रहे हो कि वही था वह घर जहाँ वो व्यक्ति आपको ले गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है और उस घर की पहचान मेरे दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है। लेकिन वह व्यक्ति कह रहा था कि वह पिछले 20 सालों से यहाँ रह रहा है। लगता है ईश्वर ने हमारी मदद बहुत रहस्यमय तरीके से करी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भूरा इसी तरह हर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।